Assalamualaikum and welcome to Street Food. मैं हूं मुबीन बशीर। आज मैं मौजूद हूं one of the best historical place of लाहौर, old अनारकली में, जो खानों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहां बन चुकी है एक मुकम्मल फूड स्ट्रीट जहां पे बहुत ही मजेदार और बहुत ही लजीज खाने मयसर होते हैं। और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ ओल्ड अनारकली के एक बहुत ही बेहतरीन फूड पॉइंट पे। तो देखते हैं कि आज हमें ओल्ड अनारकली में किस तरह का जायका मिलता है और यहाँ के खाने कितने मजेदार और लजीज हैं। आइए मेरे साथ मिलके डिस्कवर करते हैं। ओल्ड अनारकली फूड स्ट्रीट में मैंने अपना फूड पॉइंट सेलेक्ट किया है वारिस फिका शॉप, जहाँ पे मुझे खासा रश भी नजर आ रहा है और मुझे मालूम हुआ है कि इनका बारबेक्यू और इनका तवा पीस भी बहुत फेमस है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज वारिस फिका शॉप पे हमें कितने मजेदार और कितने लजीज जायके मिलते हैं। आइए मेरे साथ। आ चुका हूँ वारिस फिका शॉप के अंदर और बहुत ही मजेदार यहाँ पे बारबेक्यू तैयार हो रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि जितनी ज्यादा ठंड है उतना ज्यादा मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है, क्योंकि एक तो मजेदार खानों की खुशबू, यहाँ पे मजेदार बारबेक्यू की खुशबू, उसके अलावा जो गर्मा गर्म यहाँ पे कोयलों की जो गर्माइश है, क्या ही बात है। हमारे साथ यहाँ भाई मौजूद है, आइए इनसे गपशप करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सजाद अहमद। सजाद भाई, ये बताएं कि कौन कौन से आपके पास यहाँ पे बारबेक्यू में फूड आइटम्स मौजूद है? हमारे पास है मिक्स प्लेटर होता है, ठीक है, उसमें मलाई टिक्का है, चिकन टिक्का है, चिकन कबाब, बीफ कबाब, उसके अलावा तवा पीस होता है, पानी बोटी है, कस्तूरी बोटी है। जबरदस्त, इतनी सारी बोटियाँ आपने गिनवाई है, ये बताएं कौन सी बोटी आज हम ट्राई करें यहाँ पे? आप हमारे पास टिक्का बोटी खाएं, उसके अलावा मलाई बोटी खाएं, अफगानी बोटी खाएं, हमारे पास स्पेशल होती है। जबरदस्त, अफगानी बोटी, टिक्का, उसके अलावा हमारे पास है सर्दियों के आइटम में मच्छी कोयले वाली। जबरदस्त, मुझे बारबेक्यू मैंने बारे में सुना है कि बारबेक्यू आपका बहुत मजेदार है, तो फिर हम आपके पास यहाँ पे ट्राई कर ले, मेरे ख्याल में टिक्का बोटी ट्राई कर लेते हैं, साथ में अफगानी बोटी आपने बताई है तो अफगानी बोटी ट्राई कर लेते हैं। ओके ओके सर। और ये बताएं तवा पीस भी सुना है आपका बहुत ज्यादा फेमस है, तवा पीस के बारे में क्या बताएंगे? तवा पीस हमारा बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है, माशाल्लाह। और तवा पीस हमें क्या ट्राई करना चाहिए? तवा पीस मसाला कढ़ाई है, तवा पीस है, उसके अलावा तवा कढ़ाई है, टकाटक है, मगज है, चाँप है। जबरदस्त जी। अच्छा ये बताएं कि वारिस फिका शॉप कितनी पुरानी, कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम? ये तकरीबन मुझे तो हो गए इधर 15 साल हो गए, ठीक है। और वारिस फिका शॉप को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? इसको 30 साल हो गए। 30 साल हो गए ओल्ड अनारकली के अंदर। जबरदस्त, चले जी ट्राई करते हैं इनके खाने और देखते हैं कि जितना नाम मैंने सुना है इनके बारबेक्यू का और इनके तवा पीस का, देखते हैं यहाँ पे हमें आज जायका कितना मजेदार मिलने वाला है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वारिस फिका शॉप के ऑनर हाजी वाजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक हो गए माशाल्लाह। सर ये बताएं सबसे पहले कि आपके पॉइंट को कितना टाइम हो गया? ये तकरीबन 25 साल हो गया। 25 साल हो गया माशाल्लाह, आप ही रन कर रहे हैं शुरू से? जी बिल्कुल माशाल्लाह। कौन कौन से फूड आइटम्स यहाँ पे आपके मौजूद हैं और कौन कौन से सबसे ज्यादा फेमस है? हमारे ये बारबेक्यू है, टका टका है, तवा पीस वगैरह है, निहारी है, मच्छी है, फिर उसके बाद दाल सब्जी भी है। जबरदस्त। और कढ़ाई है, सबसे ज्यादा काम जो है वो ये टकाटक और तवा पीस का और निहारी का काम है और बारबेक्यू का काम है, ये तीन काम बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। और क्या टाइमिंग्स हैं आपके अंकल पॉइंट की? ये सुबह 11 बजे से लेके रात 2 बजे तक है, ठीक है जी हाँ माशाल्लाह। और ये बताएं अंकल के कुछ ओल्ड अनारकली के हवाले से बताएं, क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत ही तारीखी प्लेस है लाहौर की, तो इसके बारे में आपका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है और लोगों का रिस्पांस भी किस तरह से मिल रहा है? हाँ जी, बहुत पुराना ये बाजार है, सबसे पुराना ये अनारकली का एक नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और खाने के लिए, और हर किस्म का होटल यहाँ पे मौजूद है। जबरदस्त। और शॉपिंग सेंटर भी हैं, होटल भी हैं, बाहर से जो दुनिया आती है तो वो एंजॉय करती है यहाँ। बहुत बेहतर अंकल, मुझे ये बात पता चली है यहाँ पे कि आप स्टूडेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट देते हैं 10%, तो इस हवाले से भी जरा बताएं, बाकी जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको मालूम हो। हाँ, जो स्टूडेंट होते हैं ना, बच्चे होते हैं, जाहिर बात है उनको खर्चा उसी हिसाब से मिलता है, तो उनका भी निज़ाम साथ में चलना चाहिए, हमारा भी चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक, तो उनको 10% लेस हो जाती है। 10% लेस चले स्टूडेंट के लिए तो डिस्काउंट एंगल डिस्कवर पाकिस्तान की टीम क्योंकि आज यहाँ पे मौजूद है आपके साथ, तो क्या आप डिस्कवर पाकिस्तान के नाज़रीन को भी डिस्काउंट देंगे? इंशाल्लाह ताला कोई बात नहीं है, देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। अंकल कह रहे हैं जी, हाजी वाजिद साहब ने बताया कि जितने भी लोग डिस्कवर पाकिस्तान का प्रोग्राम देख के यहाँ पे आएंगे, इनको बताएंगे तो 10% डिस्काउंट उनको भी मिलेगा, जो कि एक बहुत ज्यादा जबरदस्त बात है। स्टूडेंट्स के लिए तो पहले से ये फैसिलिटी मौजूद है,
लेकिन जितने भी लोग डिस्कवर पाकिस्तान का प्रोग्राम देखे यहाँ पे आएंगे उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगी। अंकल आप ये बताएं कि आज आप हमें क्या रेकमेंड करेंगे कि आज हम यहाँ पे क्या ट्राई करें? आप तवा पीस खा लो, ठीक है, उसके बाद बारबेक्यू खा लो, अख्वानी बोटी है, मलाई बोटी है, उसके बाद चिकन टिक्का है, और आप ये ट्राई कर लो, फिश है वो ट्राई कर लो, निहारी है, जबरदस्त। यहाँ पे जो मैं ओवरऑल आपको बताऊँ कि एक तो जो ओवरऑल यहाँ का माहौल है और दूसरी बात जो यहाँ पे खाने जितने मज़ेदार यहाँ पे तैयार हो रहे हैं ना, अंकल ने कहा जो मर्जी खा लो, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं सबकी सब चीज़ें यहाँ पे खा लूँ, सबकी सब चीज़ें ही टेस्ट करूँ, क्योंकि ओवरऑल जितने मज़ेदार खाने मुझे लग रहे हैं तो सिलसिला जो है यहाँ पे बहुत मज़ेदार है। अंकल से गपशप हमने कर ली है और अब टेस्टिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे हमें कितने मज़ेदार और लजीज जायके मिलने वाले हैं ओल्ड अनारकली के। मौसम और खानों का हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है और यहाँ पे कुछ ऐसे ही मुझे दोस्त मिले हैं जो मज़ेदार और सर्दी वाले मौसम के अंदर मज़ेदार खानों को ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इस वक्त निकले हुए ओल्ड अनारकली में। आइए इनसे गपशप करते हैं और इनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे जो ये दो भाई हैं यहाँ पे, ये स्कर्दू से हैं और यहाँ से जो हमारे तीन भाई ठहरे हुए हैं ये नगर से हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ही इतनी ज़्यादा ठंड है और गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए जो हमारे दोस्त हैं तो इनके दरमियान ठहर के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ठंड में मज़ीद इजाफा हो गया है। तो आइए इनसे गपशप करते हैं और पूछते हैं कि ये सर्दी को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं और खास तौर पे सर्दी के अंदर खानों को कितना एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जिशान अली नाम है मेरा। जिशान भाई ये बताएं कि आप इतने ठंडे मौसम के अंदर, वैसे तो जो नगर के अंदर इस वक्त जो वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, जब मौसम है वहाँ का, तो ये ठंड तो आपको कुछ भी नहीं लग रही होगी यहाँ की? हाँ, यहाँ की सर्दी इतनी फील नहीं होती है, बस सिर्फ ये है कि धुंध थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, बाकी तो सर्दी यहाँ की वो इतनी खास नहीं है, फील नहीं होती है, बनिस्बत वहाँ पर होती है, क्योंकि वो सर्दी जो है वो हाइट है वहाँ पर और ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जाता है, यहाँ पर ये कि इतनी खास सर्दी फील नहीं होती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बताएं कि आप इतनी रात को यहाँ पे निकले हुए हैं यहाँ पे मज़ेदार खानों को ट्राई करने के लिए, तो ओल्ड अनारकली के खाने आपको कितने मज़ेदार लगते हैं? बहुत ही मज़ेदार। हम तो इसी वजह से ना, खानों की वजह से ही हमने जो जगह हम पहले रहते थे वहाँ से हम शिफ्ट होकर यहाँ आए हैं ताकि ये खाने सारे इंजॉय कर सके। क्या बात है। और ओल्ड अनारकली में आज आपने क्या ट्राई किया? आज हमने निहारी ट्राई किया और साथ में चिकन कढ़ाई ट्राई किया, और निहारी तो बहुत ही लजीज थी और मज़ेदार थी, और कढ़ाई तो फिर कढ़ाई इनकी अच्छी है, इसमें से हम बार बार इनके पास आते हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत। और आपने जो निहारी ट्राई किया या चिकन कढ़ाई ट्राई किया, वो आपने वारिस टिक्का शॉप से ट्राई किया? वारिस टिक्का शॉप से, बिल्कुल। ये हम लोग इधर इसी वजह से ही आते हैं कि इनका जायका इतना अच्छा है जो हमें अट्रैक्ट करता है यहाँ का, यहाँ पे। ओवरऑल पूरी ओल्ड अनारकली के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर बस ओल्ड अनारकली का यही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट है जी बी से आए हुए हैं या फिर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, उनके लिए एक अच्छा है, यहाँ पर रिजनेबल भी हैं और यहाँ पर एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट है, तो इस वजह से हम यहाँ आना पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? आदिल हुसैन नाम। आदिल हुसैन भी क्या करते हैं? मैं टूरिज्म का काम करता हूँ, हम टूर्स वगैरह लेके जाते हैं नॉर्थ की साइड पे, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सवात वगैरह। जबरदस्त। एवरी वीक हमारे निकलते हैं लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी। क्या बात। मोस्टली जो लोग ठंड में एंजॉय करने जाते हैं हमारे, मतलब थर्सडे को निकलता है 3 डेज कश्मीर सवात का, 5 डेज को हुंजा का निकलता है, क्योंकि इस टाइम तो ठंड इतनी है और लोग स्नोफॉल देखने जाते हैं, फॉरनर्स भी ज्यादा आते हैं और यहाँ से लोकल्स भी बहुत ज्यादा जाते हैं। बेसिकली क्योंकि हमारा प्रोग्राम खानों के मुतालिक है और हम लोगों के डिफरेंट रिव्यूज देते हैं खानों के मुतालिक, तो ओल्ड अनारकली के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपका खानों का? मैं कहूँगा कि लाहौर खानों के वजह से बहुत मशहूर है, पर अनारकली ऐसी जगह है कि अगर आपने खाना खाना है यहाँ पे 3 बजे भी आए तो आपको मिलेगा, दोपहर को आए तब भी मिलेगा, आप और दूसरी साइड पे जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगी 3 चीजें, बिल्कुल ठीक, बंद हो जाती है। अनारकली रात के 2 बजे भी खुला हुआ है, दिन के 2 बजे भी खुला हुआ है, बिल्कुल एनी टाइम 24 घंटे। हम लोग चाय पीने आए, खाना खाना है, हमें एनी टाइम सर्विस अवेलेबल होती है यहाँ। और आपने भी चिकन कढ़ाई ट्राई की है यहाँ पे? जी, चिकन कढ़ाई और निहारी इनकी बहुत लाजवाब थी। चिकन कढ़ाई हम रेगुलर इधर से ही खाते हैं, इनका टेस्ट सिर्फ हमें इनका पसंद आता है। यहाँ पे हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद है, क्या नाम है आपका? कामरान सर। कामरान भाई ये बताएं कि आपको आज यहाँ पे ओल्ड अनारकली के अंदर खाने कितने मजेदार मिले? बहुत ही, अब सर्दी के हिसाब से ही आपको पता है खानों का टेस्ट वगैरह किया जाता है, बाकी ओल्ड अनारकली का तो पूरे लाहौर को और लाहौर से बाहर और आने जाने वालों को भी पता है कि ओल्ड अनारकली में टेस्ट कैसे मिलता है, जिस तरह बिल्कुल एक स्टूडेंट के लिए एक बिल्कुल मुनासिब रेट में अच्छे टेस्ट के साथ यहाँ पे मिलता है। इसी तरह हम आज गैदरिंग में बैठे हुए थे तो आते जाते रहते हैं इधर वारिस टिक्का कढ़ाई के पास, इनका टेस्ट वाइज तो बहुत ही अच्छा है, साथ में सर्विस भी इनका बहुत ही अच्छा है और मुनासिब रेट में मुनासिब है। चले जी, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, क्या नाम है आपका? शफकत अली। शफकत अली भाई, कैसा एक्सपीरियंस है आज आपका यहाँ पे अनारकली के अंदर? बेसिकली मैं ज्यादातर रहता लाहौर में भी हूँ,
टूरिज्म का काम करते हैं हम, पूरे पाकिस्तान आई थिंक घूम लिया हमने, लेकिन जो खाने का टेस्ट है वो फिर लाहौर ही है। लाहौर का टेस्ट कहीं पे नहीं मिलता आपको। ठीक है, मतलब आपका भी यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मजेदार गुजरा है। जी जी, बहुत मजेदार अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे खानों का बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार जा रहा है। मैं भी अपना ऑर्डर कर चुका हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे आज मुझे कितना मजेदार टेस्ट मिलने वाला है। थोड़े से इंतजार के बाद ही मुझे गर्मा गर्म मील सर्व कर दिया गया है। ऑलराइट जी, थोड़े से इंतजार के बाद ही मुझे गर्मा गर्म मील सर्व कर दिया गया है और खाने इतने मजेदार लग रहे हैं कि जिसको कहा जाता है ना कि दिल खुश हो जाए खाना देख के, तो वो वाले खाने मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है तवा पीस, जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही मजेदार है और सब मिर्चियां इसके ऊपर नजर आ रही हैं और हरा धनिया और साथ में जो गार्निशिंग की हुई है वो सब प्याज और मजेदार मसाला जात मुझे लग रहे हैं। साथ में मेरे पास यहाँ पे टिक्का बोटी मौजूद है जो कि मुझे बहुत ही मजेदार सी लग रही है, लेकिन टिक्का बोटी से ज्यादा जो मुझे मजेदार चीज यहाँ पे लग रही है वो अफगानी बोटी लग रही है, क्योंकि इसके बारे में मुझे बताया गया है कि इसको अंडा भी लगाया गया है इसके ऊपर और साथ में इसके ऊपर मसाला अलग से लगाया गया है, क्रीम लगाई हुई है और ज्यादा मतलब जैसे कहा जाता है ना किसी चीज को एक ज्यादा अहमियत देना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानी बोटी को टिक्का बोटी से ज्यादा अहमियत दी हुई है। तो देखते हैं, यहाँ पे साथ मेरे पास सैलेड मौजूद है और साथ में रायता है, गर्मा गर्म रोटी है। खानों का आगाज करता हूँ, देखता हूँ ओल्ड अनारकली में बारिश टिक्का शॉप पे मुझे आज यहाँ पे खाने कितने मजेदार मिलते हैं और दिखने में तो बहुत मजेदार मिल रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया, और क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आज फोग बहुत ज्यादा है और मजेदार खानों की तलाश में मैं आज निकला हुआ हूँ। ओल्ड अनारकली का मैंने रुख किया है तो ट्राई करता हूँ यहाँ का सबसे पहले तवा पीस जो कि बहुत ज्यादा जूसी मुझे लग रहा है और खुशबू बहुत मजेदार है, इसका जो अरोमा है वो बहुत ही अमेजिंग है, सही एक चिकन वाला और बाकी ऐसा लग रहा है कि जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक चीज़ बनाई भी होती है ना चिकन को बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो बिल्कुल नरम मुलायम टेंडर सा मुझे इसका फील मिल रहा है और मज़ेदार सी बाइट में तैयार करने लगा हूँ। साथ में जी ऐड करता हूँ कुछ ग्रेवी, आए हाय हाय क्या ही मज़ेदार सी मैंने यहाँ पे बाइट तैयार कर ली है। इसको पहले ऐसे ही ट्राई करता हूँ और फिर ट्राई करूँगा इसको रायते के साथ, क्योंकि रायते के साथ बाद में ट्राई करूँगा, क्योंकि रायता जो है ना वो खाने का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना उसको थोड़ा साइड पे कर देता है, तो इस वजह से पहले सिंपल बाइट ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, एक डिफरेंट मसाला जात का मुझे फील आया इनमें, थोड़ा सा स्पाइसी भी लग रहा है लेकिन तवा पीस इज गुड। डिफरेंट मसाला जात मुझे यहाँ पे टेस्ट करने को मिल रहे हैं तवा पीस के अंदर, टेस्ट ओवरऑल अच्छा है, चिकन को काफ़ी अच्छे से तैयार किया हुआ है, कुक किया हुआ है और जितना जूसी फील मुझे मिल रहा है तो वो उसका मज़ा जो है ना वो दुबाला कर रहा है। ट्राई करते हैं रायते के साथ, दोबारा से एक और मज़ेदार सी बाइट बनाएंगे। ओए होए होए, ऐड ऑन करूंगा चिल्ली और साथ में ऐड करते हैं रायता। आ हा हा, क्या ही मजेदार सी बाइट, ये टिप टिप करता हुआ जो रायता है ना, रायता बहुत मजेदार है। रायते की खास बात यह है कि दही गाढ़ी है, कुछ जीरा ऐड किया हुआ है इसके अंदर,
और रायते के साथ टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार हो गया है इनके तवा पीस का। अब मैं ट्राई करता हूँ जी अफगानी बोटी, जिसके ऊपर अंडा भी लगाया हुआ है, क्रीम भी ऐड ऑन की हुई है, और इसका भी मुझे जो मीट है वो नरम लग रहा है, टेंडर लग रहा है। देखते हैं इसको ट्राई करके क्या टेस्ट मुझे कितना मज़ेदार मिलने वाला है। अफगानी बोटी की खास बात यह है कि इसकी मैरिनेशन अच्छे से की हुई है, लाइट से स्पाइसेस, नरम मुलायम सा गोश्त। ट्राई करते हैं रायते के साथ। अफगानी बोटी भी काफ़ी अच्छी है। और अब ट्राई करते हैं जी टिक्का बोटी, जो कि आपको अफगानी बोटी एक डिफरेंट वैरायटी है। कुछ लोग बारबेक्यू की शॉप पे रखते हैं अपने पास, कुछ लोग नहीं रखते, लेकिन टिक्का बोटी आपको हर जगह आसानी से मिल जाती है। और इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि जो टिक्का बोटी की गेम है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी मज़ेदार है। जो इसका मीट है ये भी मुझे मज़ेदार सा लग रहा है और टेंडर्ड भी लग रहा है साथ में। तो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि टिक्का बोटी कैसी है। अफगानी बोटी और टिक्का बोटी में मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है काफ़ी, वो ये है कि इनकी मैरिनेशन अच्छे से की हुई है। मतलब आप मीट खाते हो ना तो आप मुकम्मल तौर पर उसका जायका ले पाते हो अंदर तक, जो उसके जायके जो उसके मसाला जहाँ जज्ब हो जाते हैं ना, तो टेस्ट और ज़्यादा निखर के और ज़्यादा मज़ेदार आता है। और अब जी मैं ट्राई करता हूँ तवा पीस को दोबारा से, और खाली चिकन बगैर रोटी के, और साथ में ट्राई करता हूँ थोड़ी सी ग्रेवी, और साथ में मैंने चिल्ली भी ऐड किया क्योंकि चिल्ली के बगैर मुझे तो खानों का मज़ा नहीं आता, और थोड़ा सा स्पाइसी और साथ में रायता। ओवरऑल अगर मैं खानों को रेट करूँ तो खाने मज़ेदार हैं, और साथ में जो मुझे बिल्कुल ऐसे शबनम साफ तौर पे नज़र आ रही है ना गिरते हुए, मतलब जितनी सर्दी आज हुई भी है ओल्ड अनारकली के अंदर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो बहुत मज़ेदार है। क्योंकि लाहौरियों के बारे में मशहूर है बहुत ज़्यादा कि खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो बाकी मुझे जहाँ पे आज ये चीज़ देखने को भी मिल रही है कि जितनी भी शॉप्स हैं सब पे कुछ ना कुछ अच्छा सेल हो रहा है, सब लोग वहाँ पे खानों पे टूट रहे हैं और खाने इंजॉय कर रहे हैं, खानों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खाने यहाँ पे मुझे अच्छे मिले हैं। और अगर मैं आपको रेट्स के हवाले से बताता चलूँ तो तब आप इसकी प्राइस बताऊँ तो इसकी प्राइस है 410 रुपीज़, टिक्का बोटी की प्राइस है 210 रुपीज़, और अफगानी बोटी की प्राइस है 220 रुपीज़। पारिस टिक्का शॉप पे आज खाने बहुत ही मज़ेदार और लजीज मिले हैं मुझे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर ओल्ड अनारकली के अंदर आप विजिट करते हैं तो आप पारिस टिक्का शॉप के खानों को लाजमी ट्राई करें, और मुझे यकीन है कि यहाँ के खाने आपको मज़ेदार मिलने वाले हैं। और ख़ासतौर पे तवा पीस की जो प्राइस के हवाले से आपको बताऊँ, 410 रुपीज़ के अंदर आप एक मुनासिब कीमत और अच्छी क्वान्टिटी के अंदर यहाँ पर खाने को इन्जॉय कर सकते हैं, और आपको खाना भी अच्छा मिलेगा। ये था हमारा आज का स्ट्रीट फूड का प्रोग्राम। मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम को आपने खूब इन्जॉय किया होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम आए आपके शहर में आपके खानों का रिव्यू करने के लिए, तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमें ईमेल करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम आएगी आपके शहर में आपके खानों का रिव्यू करने के लिए। अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।